नहीं, ये पूरे देश भर के अपोजिशन को एक होने के बाद ही हरा सकते, अकेले कोई एक पार्टी नहीं हरा सकती। पूरा भरोसा है और आने वाला भविष्य जो है वो बिहार का तेजस्वी है। तेजस्वी अपोजिशन को एक होना चाहिए तो उसमें सबसे बड़ी बात ये कि हमने खुद ही अपनी पहल कर। थोड़ा माइक दूर रखिए प्लीज। आपको ऐसा लगता है कि ये विलय करके आप बीजेपी को हरा पाएंगे आगामी चुनाव में? नहीं, ये पूरे देश भर के अपोजिशन को एक होने के बाद ही हरा सकते हैं, अकेले कोई एक पार्टी नहीं हरा सकती। एक व्यापक एकता हम कदम उठाना था तो हमने कदम उठा दिया। कितना भरोसा है आपको तेजस्वी यादव पे? कितना भरोसा है आपको? पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है और आने वाला भविष्य जो है वो बिहार का तेजस्वी है। तेजस्वी यादव देश भर में रोल क्या रहेगा? आपका रोल क्या रहेगा राष्ट्रीय राजनीति में? आपका रोल क्या रहेगा आगे राजनीति में? राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, जो व्यापक एकता है उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। लालू जी भी बाहर आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर हम मिलकर के सब लोग एक व्यापक एकता के लिए मुहिम चलाएंगे। ऑपोजिशन बता रहे हैं सबको इकट्ठा होना चाहिए चुनाव बीजेपी को हराने के लिए, ऑपोजिशन का चेहरा कौन होगा? हमेशा ये लड़ाई होती है, कभी शरद पवार आ जाते हैं सामने, कभी सोनिया गांधी का नाम चलता है, कोई नेता दिखता नहीं है जिनके नाम पे ऑपोजिशन एकजुट हो और देश भर में बीजेपी के खिलाफ। अच्छा है, पहला काम है एकता हो जाना, इसके बाद कौन बनेगा ये तय करना में पहले भी हम लोग कर चुके हैं, अभी भी करेंगे। पहले भी एकता पहले की है, इसके बाद जैसे जनता दल बना था तो जनता दल बना था तो एकता पहले हुई थी, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री बना था। और जनता पार्टी का भी पहले सबका भले हो गया, उसके बाद मुरारजी भाई का प्रधानमंत्री बने थे, यही परिस्थिति यहाँ भी होगी। तो ये विलय जो आप कह रहे हैं एकता होगी विपक्ष में, यूपीए के अंडर होगी? यूपीए में रहते हुए एकता होगी? यूपीए के झंडे के नीचे ही एकता होगी सबकी? ये एकता पूरे देश भर में होगी। सर, केरला स्टेट लीडरशिप इज ऑपोजिंग द मर्जर, केरला ऑपोजिशन के लोग इस मर्जर को अपोज कर रहे हैं? नहीं आ रहे हैं वो शैलेश कुमार। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना? नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट में। पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।